आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर से महज 8 किलोमीटर दूर गांव धौंसवास में नवनिर्मित सीएनजी पंप की कमीशनिंग के दौरान टैंकर से पंप में गैस रिफिलिंग करते समय शुक्रवार की दोपहर में अचानक हुए विस्फोट से आग लग गई। आग से यहां काम कर रहे 6 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में टेक्नीशियनों के साथ ही गुजरात गैस कंपनी का सीनियर इंजीनियर आशीष गहलोत भी शामिल है। अन्य को बचाने में उसके हाथ भी झुलस गए। अचानक हुए हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पंप पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। घायल झुलस गए तो बाद में उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाया। धौंसवास गांव में बन रहे सीएनजी पंप में हुए धमाके में उज्जैन सुनील, तराना के कनार्दी निवासी मणिशंकर, पिता राम प्रसाद वर्मा, उत्तर प्रदेश के जेवरिया जिला गोरखपुर के टेक्नीशियन जितेंद्र कुमार, बड़नगर तहसील के ऊंटवास गांव निवासी ऑपरेटर जितेंद्र पिता घासीराम मालवीय और महितपुर तहसील के बरोठी खेड़ा गांव निवासी टेक्नीशियन धनंजय पिता विक्रम सिंह झुलस गए हैं। इन्हें बचाने में गुजरात गैस कंपनी के सीनियर इंजीनियर आशीष गहलोत के हाथ भी झुलस गए। 5 घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। सीएनजी पंप हादसे में झुलसे 5 घायलों को रात को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। कंपनी ही सभी का इलाज करवाएगी। नामली थाना पुलिस ने फिलहाल मामला जांच में लिया है। जांच के बाद लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। घायल कर्मचारियों ने बताया 5 लोग घायल है ना। हाँ। सभी उज्जैन जिले के रहने वाले। हाँ सर, हम 2 हैं उज्जैन के, हम 3 है उज्जैन। अच्छा। बाकी सब बाहर के, एक रतलाम के। कैसे, कितनी बजे घटना? सर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में। कंप्रेसर का हम सीएनजी की कमिश्निंग कर रहे थे। कमिश्निंग के दौरान वो सीएनजी मशीन में से लीकेज हो गया। लीकेज होने का कारण ब्लास्ट हो गया। पीछे 10 फीट दूर और लाइट का पोल खड़ा था, पता नहीं उसके कारण हो, मतलब आग पकड़ ली थी। लीकेज हुआ था क्या? लीकेज हुआ था सर, और ब्लास्ट हो गया 10 से 15 सेकंड में। कितने लोग थे वहाँ पे उस वक्त? हम 5 थे सर। और कोई नहीं था? सांसद और विधायक के काफिले का घेराव और पत्थरबाजी के मामले में सर्किल जेल में बंद जयस नेताओं की जमानत याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को जयस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं के आने की सूचना पर पहले से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। जयस नेता केशु निनामा सहित अन्य नेताओं के साथ आए कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सिटी संजीव पांडे को ज्ञापन सौंपकर जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और झूठे प्रकरण वापस लेने की मांग की। बाद में जयस नेताओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बंद कमरे में बैठक कर चर्चा भी की। जयस नेताओं ने बताया, और आज नौजवान साथी बड़ी संख्या में आए थे। गुस्सा इसलिए है कि एक लोकतांत्रिक देश में भारत, इस लोकतांत्रिक देश के होते हुए किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपनी समस्या बताना एक अपराध हो चुका है। जिस दिन ये घटना घटी थी धराड़ में, वहाँ पर सारे वीडियो वगैरह, सारे फुटेज, सब चीज़ें क्लियर हैं। केवल और केवल नौजवान साथी गुस्से में थे। जो निवेश यहाँ पर करीब 1000 इंडस्ट्रीज बन रही है, उनको लेकर के विरोध जता रहे थे। सांसद साहब को जो है उनका घेराव कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक देश में, कॉन्स्टिट्यूशन है भारत देश के अंदर में, तो घेराव करना किसी जनप्रतिनिधि सबसे पहला अधिकार है, और फिर बाकी सब चीज़ें धरना देना और दफ्तर घेरना वो सब चीज़ें बाद में। जब जनप्रतिनिधि चल करके हमारे इलाके में आए थे, ग्रामीण क्षेत्र में आए थे, वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब वो इलाके में आएंगे तो इलाके में लोग अगर है उस इलाके के, तो लोग पूछेंगे नहीं उनसे, उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनका घेराव नहीं करेंगे शांतिपूर्वक, तो फिर क्या करेंगे? जो सवाल थे बिल्कुल वाजिब थे। जो निवेश बन रहा वो क्यों बन रहा, किसकी अनुमति सहमति से बन रहा, कितने लोग बाधित हो रहे हैं, कितने लोग विस्थापित होंगे, उनका जिंदगी का क्या होगा? और दूसरा सवाल लोग ये पूछ रहे थे बार बार कि आप इसे रद्द करो, तो रद्द करने के लिए कोई एक्शन नहीं हो पा रहा जनप्रतिनिधि की ओर से। और यहाँ बार बार डीएम साहब का दफ्तर भी घेरा है 2-3 बार। पहले कहना है कि शासन स्तर का मैटर है। नौजवानों का सवाल है, जब वहाँ साथ में अपने दिलीप मकवाना थे, मेंबर ऑफ असेंबली थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो वो भी सीधे तौर पर जिम्मेवार थे। ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि सांसद जी को क्यों घेरा, तो सांसद जी के साथ में विधायक जी थे, वो इसी क्षेत्र के रतलाम ग्रामीण के थे, और ये निवेश बन रहा है ये भी रतलाम ग्रामीण में ही बन रहा है, और ये जो सारी नीतियाँ बनती, नियम बनते हैं, सारे भोपाल विधानसभा बनते हैं, है ना, मतलब जो कैबिनेट वो बनाती है। तो लोगों का, जो नौजवान युवाओं का जयस के साथ में गुस्सा था, बिल्कुल वाजिब था, और जो भी किया वो कानून के दायरे में ही रह करके किया। जो इतना बड़ा गंभीर धारा मुकदमा पंजीबद्ध किया 353, 332, 336, 333, ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से।
और उस एफ आई आर में 19 नाम है, मतलब 19 नामजद हैं, उनमें से आधे से ज्यादा ना पता चल रहा है कि वो लोग वहाँ मौके पर थे ही नहीं। जब घेराव किया था गाड़ी का सांसद साहब का, तब वो लोग मौके पर थे ही नहीं। तो कुल मिला के बिल्कुल क्लियर है कि पूरी तरीके से प्रेशर में आकर के, राजनीति के प्रेशर में आकर के मुकदमा बन गया। नगर निगम के सामने स्थित बरसों पुराने अतिक्रमण ढहाने के बाद दोपहर को प्रशासन की टीम ने दोबारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई। इस बार मेहंदीकुई बालाजी मंदिर के पास पुराने महापौर निवास के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 3 पक्के मकानों और कुछ कच्चे निर्माणों को ध्वस्त किया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम 4 बजे पुराने महापौर निवास के पीछे पहुंची। यहां अतिक्रमण हटाने का हल्का विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते विरोध ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एसडीएम संजीव पांडे की मौजूदगी में नगर निगम के अमले ने 3 पक्के मकानों पर जेसीबी का पंजा चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था। अतिक्रमणकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के सामने विरोध ठंडा पड़ गया। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों में रहने वाले रहवासी देर शाम नगर विधायक के निवास पर जा पहुंचे। विधायक के निजी सहायक से रहवासियों ने चर्चा कर प्रशासन द्वारा मकान तोड़े जाने की जानकारी दी। रहवासियों ने अब विधायक से मकान बनाने की जगह या फिर प्रधानमंत्री आवास दिलवाने की मांग की। शहर में तेजी से बढ़ रही श्वानों की संख्या बढ़ने और इन आवारा कुत्तों के हमला करने से रहवासियों में भय के साथ पनप रहे आक्रोश को देखते हुए निगम ने बधियाकरण अभियान की शुरुआत की है। नगर में श्वानों की संख्या पर रोक लगाने हेतु नगर निगम द्वारा जोन अनुसार श्वानों को पकड़कर जुलवानिया स्थित सेंटर पर स्टरलाइजेशन किया जाकर पुनः पकड़े वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटरिंग की बैठक में निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया कि शहर में श्वानों की जनसंख्या पर रोक लगाने हेतु श्वानों के बधियाकरण का कार्य सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए एनजीओ के माध्यम से 19 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। पहले दिन 25 कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण के लिए भेजा गया है। प्रतिदिन प्रातः बधियाकरण हेतु एक दिवस में 20 से 25 श्वानों को जाल से पकड़ा जाएगा। श्वानों के बधियाकरण सर्जरी के अलावा एंटी रेबिज वैक्सीन एंटीबायोटिक लगाकर चौथे दिन पुनः पकड़े वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिससे श्वानों की जनसंख्या वृद्धि रुकने के साथ ही श्वानों के काटने से रेबिज बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिस दिन आपके क्षेत्र में श्वानों को बधियाकरण हेतु पकड़ा जाएगा, उस दिन संबंधित क्षेत्र में ऐलान किया जाएगा। इस कार्य में आप सहयोग करें तथा अपने क्षेत्र में पकड़े जाने वाले व छोड़े जाने पर गिनती करें। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया, कल से एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, या सामान्य शब्दों में कहें तो बंदियाकरण का कार्यक्रम श्वानों का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें हमारी उमरिया से संस्था आई है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इसमें जितने भी हम लोगों के यहाँ जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं, उन सबकी स्टरलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का काम किया जाता है। इसमें आप हम लोगों को 2 फायदे होते हैं, एक तो आगे उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है, साथ साथ उसका वैक्सीनेशन हो जाने से हम लोगों को डॉग बाइट अगर होती भी है तो उससे हम लोगों को इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें ऐसे प्रावधान है कि जिस कुत्ते को जहाँ से उठाया जाता है उसको उसी एरिया में छोड़ा जाता है। तो ये हम सब लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हम लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और साथ ही ये भी ध्यान रखें और वॉच करें कि जिस कुत्ते को जिस एरिया से उठाया गया है उसी एरिया में उनको छोड़ा जाए।
जनपद सदस्यों के लिए आई राशि वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। बताया जाता है कि जनपद अध्यक्ष ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों को छोड़कर अपने लेटर पेड पर राशि वितरित कर नियमों का उल्लंघन किया है। राशि नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू की है। गुलाब चक्कर के बाहर की जा रही भूख हड़ताल में 15 जनपद सदस्य बैठे हैं। जनपद सदस्य ने बताया यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। मामला यह है कि जो अभी 15 वित्त की राशि जनपद पंचायत रतलाम में आई है, उस राशि में हमारे कांग्रेस समर्थित 5 सदस्यों को छोड़ा गया और अध्यक्ष ने अपने लेटर पेड पे राशि वितरित की गई जो नियम के खिलाफ है। ऐसा कोई नियम नहीं बना है, अध्यक्ष लिख के दे देगा उन सदस्यों को राशि दी जाए। हमने 3 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, जिला पंचायत सीओ मैडम को भी अवगत कराया और 3 दिन का समय मांगा, 3 दिन में हमारी मांगे पूरी की जाए, ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। और हमने भूख हड़ताल का भी बोला, क्या हुआ, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी कोई मांग अभी तक पूरी नहीं की, प्रशासन की ओर से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। कब तक चलेगी भूख हड़ताल? यह अनिश्चित काल से भूख हड़ताल है। जहाँ तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलता, हमारे सदस्यों को एक समान राशि नहीं जाए, तब तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने जल जीवन मिशन अंतर्गत 747,58,000 की लागत से 5 गांव में नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया। योजना के तहत ग्राम पलसोड़ी, सरथुनी, मेवासा, भद्वासा, नेगरदा में पानी की टंकी, नलकूप और इनके माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन देने का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत ग्राम पलसोड़ी में 1192 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के कार्य का भूमि पूजन, ग्राम इसरथुनी में 470 घरों तक नल कनेक्शन दिए जाने के कार्य का भूमि पूजन, ग्राम मेवासा में 422 घरों में नल कनेक्शन कार्य, ग्राम भद्वासा में 600 घरों में नल कनेक्शन कार्य, ग्राम नेगरदा में 453 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। तालाब का भूमि पूजन हमने करा था भाई, विकास जी पार्टी को धन्यवाद दीजिए कि उनके अथक परिश्रम से ये तालाब भी आया और दूसरा ये रिट्रोफिटिंग जो बचा हुआ काम था जो नल जल योजना, कोई भी मजरा कोई भी गांव नहीं बचेगा, इसके लिए भी इनको धन्यवाद दूंगा कि इनके सजगता से, इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से आज रिट्रोफिटिंग का कार्यक्रम भी यहाँ होने जा रहा था। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।